सी महंगाई है, फालतू की बात कर रहे हो। कहाँ से खड़े हैं आगे यहाँ पे बिना मतलब की बकवास करने का टाइम है लोगों के पास। हर जगह बेरोजगारी है। आज तक राशन का एक सामान नहीं उठाया मेरे बाप ने, क्यों उठाएगा? उसकी हिम्मत कार्ड क्यों बनवाया है फिर? राशन कार्ड तो भैया बीपीएल का बनता है ना। मजा ले लेते हो दूर बैठ के, उसके बाद कहोगे उठाया नहीं। जनता का पैसा जनता को देना अगर हराम है, और फ्री का राशन पूरे भारत में मोदी जी आपके बांट रहे हैं कि आपने घर से लेके आए हैं वो? अरे गंगा साहब हुई कहा, गंगा साहब हुई कहा, केजरीवाल कहाँ से आ गया यहाँ पे? यहाँ केजरीवाल कहाँ से आ गया? मैं तो लोन की बात कर रहा हूँ। महंगाई है सर। महंगाई जी? कौन सी महंगाई है मैम? कौन सी महंगाई है, फालतू की बात क्यों कर रहे हो? ये तो बोल रहे हैं कि मतलब कि 1100 का सिलेंडर है, गरीबों पर भारी पड़ रहा है, उस पे क्या कहना चाहिए? पहले सर वालों के लिए नहीं है। रुकिए ना, पहले कांग्रेस जो है ना, ठीक है, पहले कांग्रेस है ना हराम की सब्सिडी देती थी, वो हराम का देना बंद कर दिया। अब हराम का खाने की आदत लोगों को धीरे धीरे जाती है। खुश है आप 1100 का सिलेंडर लेके? कम से कम मैं खुश है या नहीं? खुश हूँ मैम, कम से कम गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दे रहा हूँ ना, जिससे मेरा देश चल रहा है। देश का नहीं खा रहा, देश को दे रहा हूँ, और फिर देश से खा के वापिस देश को दे रहा हूँ, तो गर्व है उस पे। कहाँ दिक्कत है? मुझे उस चीज में गर्व है, मैं हराम का नहीं खा रहा। जनता का पैसा जनता को देना अगर हराम है, और फ्री का राशन पूरे भारत में मोदी जी आपके बांट रहे हैं कि आपने घर से लेके आए हैं वो? फ्री का राशन भैया बता रहा हूँ, कितने किलो चावल और कितने किलो गेहूँ उठाए हो अभी तक? हम कहाँ से उठाएंगे? क्यों आप गरीब नहीं हो? राशन कार्ड नहीं बना हमारा। राशन कार्ड आपके परिवार में आता है? अगर सरकार मैं बताता हूँ, अरे शकल देख के पहचान ले विदेशी। मैं बताता हूँ मैम, मेरे घर पे आज तक मैं पैदा हुआ लेके तब से आज तक राशन बना हुआ है। आज तक राशन का एक सामान नहीं उठाया मेरे बाप ने, क्यों उठाएगा? उसकी हिम्मत कार्ड क्यों बनवाया है फिर? राशन कार्ड तो भैया बीपीएल का बनता है ना। मजा ले लेते हो दूर बैठ के, उसके बाद कहोगे उठाया नहीं। भैया अब बताता हूँ आप, नहीं अब बता दो आपको, बताओ तो राशन कार्ड है ना, बीपीएल का भी बनता है और एपीएल का भी बनता है, पहले जाके सीख के आओ। एपीएल वाले को कुछ मिलता है? नेसेसरी है बनवाना, ये बता दो खाली। क्यों नहीं है? आज अगर मैं भामाशाही योजना में जाऊँ, आज मेरा आधार कार्ड बना है, आज भामाशाही योजना में सब अप्लाई करते हैं, वो तो एक सबके लिए है, उसमें तो अमीरी गरीबी का फर्क ही नहीं है। बेरोजगारी एकदम है। बेरोजगारी कहाँ से खड़े हैं आगे यहाँ पे बिना मतलब की बकवास करने का टाइम है लोगों के पास? हर जगह बेरोजगारी है। कहाँ पे है? अरे रुको तो, कहाँ नहीं बेरोजगार है, इतने लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, खड़े किस लिए हैं? बेरोजगार ही हो ना। अरे यार चिल्लाओ मत, हाँ मैम बेरोजगार मैम, वो भी बेरोजगार है। बेरोजगारों के पास शॉपिंग के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? पापा दे रहे हैं। पापा दे रहे हैं आपके? और कौन देगा? अभी नौकरी दिलवा रहा है तुमको? जी मैम अभी नौकरी दिला। देखो केजरीवाल सरकार ने काम किया है नहीं किया? आपके पापा के पास है तो आप बिजनेस करो ना अपना। बिजनेस के लिए सर पैसा नहीं है, बिजनेस के लिए तो पैसा नहीं है। बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, शॉपिंग के लिए पैसा है ना? शॉपिंग कहाँ कर रहे हैं? एक मिनट, मैं सबके पास आऊंगी, एक मिनट इनसे मैं जवाब ले रही हूँ। बेरोजगारी है उस पे जवाब क्या देने, जवाब देने आ जाओ। हाँ वही तो मैडम, उंगली मत दिखाओ, सारे कैमरे पे सब बोलने वाले एक से एक दिग्गज हैं, लाख लाख करोड़ में उनकी वो जा रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कितना काम किया? काम तो मैम बहुत किया है केजरीवाल ने, यस मैम जरूर काम किया है। बिजली फ्री कर दी, ये बस का किराया लड़कियों के लिए, बिजली विभाग तो सर गलत बात, वो हमसे क्या मतलब है, हमें तो अभी तो मिल रहा है। महंगाई इसीलिए होता है भाई, महंगाई इसीलिए होता है। तुम जाम जनता से वसूलता है। महंगाई से भी जरूरी मुद्दे ये है कि पार्टियां फंड कहाँ से ला रही है। उन बिजनेसमैन की क्लियर चार्जशीट होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कौन बिजनेसमैन इनको करोड़ रुपए दे रहा है और वो फिर अपने क्या क्या काम इनसे निकलवा रहा है। दूसरी बात, जो वे बैंक डिफॉल्टर है उन पे कड़े से कड़े कानून ला के सरकार को काम करना चाहिए। एक तरफ जहाँ करीब करीब 10% लोग वे पूरे बैंकों को खाली करके और अपनी जेब में रख लेते हैं, और
बाकी 90% पॉपुलेशन बस जुत्ती घिसती रहती है। उनका हिसाब किताब कोई होना चाहिए। सबसे बड़े मुद्दे हैं ये। ये दो मुद्दे अगर इस देश में कामयाब होंगे तो बेरोजगारी खत्म ही हो जाएगी अपने आप ही। मैडम अंकल जी से बात कर, अगर मैं लोन लेने जाता हूँ बैंक में, एक बार मिल जाएगा, दो बार मिल जाएगा, तीसरी बार कहेंगे आप पहले पिछला लोन क्लियर करिए उसके बाद मिलेगा। अरे गंगा साहब हुई कहाँ, गंगा साहब हुई कहाँ, केजरीवाल कहाँ से आ गया यहाँ पे, यहाँ केजरीवाल कहाँ से आ गया? मैं तो लोन की बात कर रहा हूँ, मैं लोन की बात कर रहा हूँ। जब तक लोन वापस नहीं करे, लोन क्यों मिल रहा है उसको बार बार? सीपी में लोन, सीपी में अड़ानी की नहीं सुन सकते।